जिला अशासकीय शाला संघ ने मनाया दीपावली मिलन समारोह। इस अवसर पर जिले भर से अशासकीय शाला संघ के संचालक ने अपनी सहभागिता दी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चोरागड़े सहित भाजपा नेता बंटी साहू ने कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दी। वहीं अशासकीय शाला संघ के अध्यक्ष आंतोनियो दास गुप्ता ने बताया कि विशेष रूप से संगठन को मजबूत बनाने की बात रखी और कहा कि छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल कायम रखता है। सिटी भारत से रोशन सिंह नापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। जाएंगे और जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे उस दिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में टॉप पर ना हो। तो मैं सोचता हूँ कि वो संकल्प हम कहीं बाद में लें उसके बजाय आज ही लें कि हम जो काम करेंगे वो छिंदवाड़ा जिले के लिए करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए करेंगे और इसलिए करेंगे कि हमारे यहाँ आशीर्वाद प्यार सहयोग इसी तरीके से बना रहे। मैं अशासकीय शाला संघ के सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रवंशी जी ने और आप हमारे उपस्थित हैं, हमारे बीच में कुछ गलतियाँ निश्चित तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे जय सर ने प्रतिवर्षानुसार दीपावली मिलन समारोह शासकीय शाला संघ छिंदवाड़ा की ओर से किया जाता है और उसी कार्यक्रम को तारतम्य में इस कार्यक्रम को भी इस साल का आयोजित किया गया है और इसमें सभी ब्लॉक के सभी संचालकगण एवं पदाधिकारी और हमारे शासकीय डीओ साहब, विकासखंड के डीओ साहब और वीआरसी महोदय भी आएंगे। उनके द्वारा यहां पर उद्बोधन भी किया जाएगा और संगठन को परिपक्व करने के लिए, संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उस विषय में भी बात की जाएगी ताकि हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर तक और जिले स्तर से प्रदेश स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये सारी कार्रवाई इसमें आज सुनिश्चित की जा रही है।